हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये कार है वॉक्स साइकिल की वेंटो, इसमें गाड़ी ओवरहीट भी हो रही है और एसी नहीं चल रहा, बार बार ट्रिप कर रहा है। तो हमने डायग्नोस किया कि इसके जो रेडिएटर फैन है उसमें बहुत प्ले आ चुकी है, तो इसकी वजह से पंखा हमारा ना रेडिएटर फैन है जो जाम हो जाता है और एसी ट्रिप कर जाता है। अब हम आपको खोल के दिखाएंगे कि इसमें क्या ख़राब हुआ। खोलने के लिए हम एक तो इसके पूरा लाइटें वगैरह बम्पर वगैरह उतार लेंगे, ताकि हमारा रेडिएटर जो उस क्लीन भी हो जाएगा और पंखा है वो भी आसानी से निकल जाएगा। ओके दोस्तों, खोल के आगे की फिटिंग आपको दिखाते हैं। दोस्तों बम्पर खुल गया और इसके हेडलाइटें भी खोल दी हमने, और उसके बाद ये स्क्रू है T30 के और यहाँ पे है T30 के, ये खोलेंगे। इसी प्रकार उसी दूसरी तरफ भी खोलेंगे, ये वाला ब्रैकेट है अलग कर देंगे। उसके बाद हम तो अब ये खोलेंगे, ये वाले इसी प्रकार दूसरी तरफ है, यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे है, इसी प्रकार दूसरी तरफ है। ये सारे खोल के हम ये इसका जो क्रॉस मेंबर है रेडिएटर से और कंडेंसर से अलग कर देंगे। फिटिंग खुल रही है, लाइटा तो सही नहीं लाई। क्रॉस मेंबर हमारा अलग हो गया दोस्तों। अब ये चार स्क्रू है, एक ये पाइप वाला, ठीक है, दो उधर है साइड पे है। ये खोल के कंडेंसर अलग कर देंगे और इसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी। और ये रेडिएटर फैन है, ये लॉक है, ऐसे लॉक दबा के रेडिएटर फैन ऊपर आ जाएगा। दोनों साइड इसी प्रकार है, तो रेडिएटर फैन निकाल के आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। दोस्तों ये खुल चुका है, कंडेंसर हमने अलग कर लिया। ये देखो रेडिएटर पूरा चौक पड़ा है, ये है वॉक्स वैगन की वेंटो कार और इसके ये लॉक है हमने निकाल लिए, ऐसे ही पंखा ये लॉक हमने दबा के निकाल लिए, ये पंखा बाहर आ जाएगा। खोल के आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। तो रेडिएटर हमारा निकल चुका है, अब देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है ये देखो, कितनी प्ले पड़ चुकी है इसमें, ये देखो ऐसे जाम हो जाता था कई बार। तो इसको खोलेंगे, देखेंगे आगे की फिटिंग। खोलने के लिए यहाँ पे लॉक है, ये वाला, ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे खींच के बाहर आ जाएगा। सारे लॉक निकाल लेंगे, ये बहुत पतले से लॉक है ऐसे, यहाँ पे बहुत से पतले लॉक होते हैं, ये वाला और इधर भी, इसको दबाएंगे और निकल जाएगा जैसे टीका लॉक होते हैं। ये खोल के आगे की फिटिंग दिखाते हैं। फैन दोस्तों खुल गया, ये वाला छोटा सा बैरिंग है ना, ये हमारा ख़राब हुआ है, इसको करेंगे चेंज। ये लॉक निकाल के ये मोटर बाहर आ जाएगी, इस बैरिंग को करेंगे चेंज। ऐसे दो बैरंग होते हैं दोस्तों, पूरी मोटर हमने अलग कर लिए। ये पड़ा है मोटर का ये हिस्सा, ये है मैग्नेट जिसके हमने बैरंग निकाल लिए है, इसमें लगाएंगे नए बैरंग और मोटर करेंगे फिट और फिर गाड़ी में लगाएंगे। पूरा प्रोसेस जैसे हमने खोला है वैसे ही सारा फिट कर देना है।
डस्टर है, ये देखो कितना गंदा आया है, इसको हम क्लीन करेंगे और पानी से धो रहे हैं इसी तरह से। और ये वाला रेडिएटर है, ये देखो कितनी डस्ट आ रही है इसमें, बहुत ज़्यादा। पानी मारने के बाद इसमें हम क्लीन करेंगे केमिकल लगाकर, उसके बाद आपको दिखाएंगे साफ़ करके। इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, ये सब साफ़ होगी। दोस्तों एसी अपना ओके हो गया, एसी चल रहा है, जो कि फैन की वजह नाल एसी ट्रिप कर रहे थे, तो एसी हमारा ओके हो गया। यहाँ पे लो पे सेट किया है और ब्लोअर हमारा तेज है, 7.5 पे जाके कट करा है, जो कि अच्छी कूलिंग है। जो एयर का टेम्परेचर है जो 7.5 है, और पंखा भी हमारा काम कर रहा है, जो कि हमने रिपेयर किया। ये थी वॉक्सवैगन की वेंटो कार।